अयोग्य रामालयं सांस्कृतिक सौरभं आध्यात्मिक वैभवानि चाटेला रूपुदिद्दुकुंदी। महाप्राकारं 2500 एळ्ळ पाटु चेक्कु चेदरकुंडा निर्मिंचारु। भूकंपालु वच्चिना तट्टुकुनेला निर्माणंलो एन्नो जाग्रत्तलु सांकेतिकतनु विनियोगिंचारु। देशंलोने अतिपेद्द आलयंगा निलवनुन्न राम मंदिरान्नि एन्नो प्रत्येकतलतो निर्मिंचारु। नागरशैलिलो निर्माणं चेपट्टारु। సాధారణంగా ఆలయాలన్నీ నాలుగు కోణాల్లో ఉండగా విష్ణుమూర్తి 8 స్వరూపాలను ప్రతిబింబించే విధంగా భవ్య రామ మందిరాన్ని అష్టకోణాల్లో నిర్మించారు। ప్రఖ్యాత సోమనాథ ఆలయం సహా దేశంలోని ఎన్నో ప్రముఖ ఆలయాలను చంద్రకాంత సోంపుర కుటుంబం డిజైన్ చేసింది। 15 తరాల నుంచి ఆ కుటుంబం ప్రముఖ ఆలయాలను డిజైన్ చేయడంలో పేరుగాంచింది। అయోధ్య రామ మందిరాన్ని డిజైన్ చేసిన ఆ కుటుంబానికి చెందిన ప్రధాన వాస్తుశిల్పి చంద్రకాంత సోంపుర ఆలయ విశేషాలను వెల్లడించారు। और इसका गर्भगृह जो है अष्टकोणीय है। हिंदुस्तान में इतना बड़ा मंदिर कोई नहीं होगा। जहां भगवान का जन्म हुआ वही मूर्ति रहेगी। तो 2500 साल तक मंदिर को कुछ अर्थक्वेक के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है बड़े पैमाने पर। उसकी जो डिजाइन हुआ आपने बनाई, क्या कुछ खासियत है मंदिर का डिजाइन में? डिजाइन तो जो 30 साल पहले बनी थी 32 साल पहले वही है। कोर्ट का डिसीजन आया तो जो बड़ा करना है तो हमने 3 मंडप और ऐड किए, थोड़ी हाइट बढ़ाई। और नागर शैली का मंदिर है, पहले से नागर शैली का मंदिर बना हुआ था। और इसका गर्भगृह जो है अष्टकोणीय है। हमेशा आप देखेंगे तो सब जगह मंदिर गर्भगृह चौकोर मिलेगा आपको, मगर यहाँ अष्टकोण है। एक विष्णु का 8 स्वरूप है और इसकी प्रदक्षिणा जो हमने गोल बनाई है, तो इसका मतलब एक एक, एक ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों मंदिर का एक तीनों का एक समन्वय करने की कोशिश की है। राम जी है उसका जो दरबार है वो उसकी स्थापना ऊपर के मंजिल पे होगी, नीचे राम लल्ला की स्थापना होगी। मंदिर की ऊंचाई वैसे कॉरिडोर के साथ 600 मीटर इसकी चौड़ाई पूरी है। वैसे वैसे देखा जाए तो मंदिर 320 फुट लंबा है और 250 फुट चौड़ा है। शिखर है, कितना शिखर है? शिखर मेन शिखर एक ही है, बाकी 5 पंचायतन मंदिर है कॉरिडोर में, जिसमें शिव जी है, माता जी है, गणेश जी है, हनुमान जी है, तो विष्णु पंचायतनपुरी है। और एक जहाँ सीता रसोई थी पहले, वहाँ अभी भी भगवान का जो नया मंदिर बनेगा वहीं से भोग आएगा, देवी का मंदिर बनाया है। हमारे जो भारतीय संस्कृति में 3 शैली है, नागर शैली ही क्यों चॉइस किया गया? साउथ को छोड़ के जैसे आप ऊपर आएंगे मध्य भारत में आएंगे, खजुराहो में जाएंगे, इधर उधर कहीं भी जाएंगे तो सबको नागर शैली मिलती है। तो नागर शैली एक यहाँ प्रचलित चीज है कि जो जो प्रचलित है वही वहाँ बनाया जाए तो अच्छा है। हमारे यहाँ द्वारका और सोमनाथ का भी मंदिर है, उनसे ये शिखर छोटा है, क्या कहेंगे? छोटा नहीं, सोमनाथ मंदिर मेरे दादाजी ने बनाया, वो महामेरु प्रसाद है। उसमें क्या है, गर्भगृह अलग है और जो इसके प्रदक्षिणा के ऊपर शिखर है तो इसको शानदार प्रसाद कहते हैं। जो प्रदक्षिणा आप घूमेंगे उसमें अंधार मतलब थोड़ा कम लाइट कम आएगा, तो शानदार और निरंधार दो प्रसाद है। ये जो बनाया निरंधार है जिसकी प्रदक्षिणा खुली है। द्वारका का शिखर ऊंचाई में शायद बड़ा होगा ये, मगर लंबाई चौड़ाई में ये शिखर उससे बड़ा है। और मंदिरों से जो रामलला का मंदिर है उसमें क्या विशेष खासियत है? मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में इतना बड़ा मंदिर कोई नहीं होगा, इतनी कला कारीगरी से भरपूर है। और दूसरा मेन चीज ये कि जहाँ भगवान का जन्म हुआ 6x3 की कटिया में, उसी जगह पे राम जी की मूर्ति रखी जाएगी। जैसे सोमनाथ मंदिर उसी जगह पे जहाँ मूर्ति टूटी थी वही रखा गया, ऐसे ये जहाँ भगवान का जन्म हुआ वही मूर्ति रहेगी, ये सबसे बड़ी बात है। ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से कई जगह भूकंप के तो ये मंदिर में मतलब ऐसा कोई प्रावधान किया? हम लोगों ने जब मंदिर शुरू किया तो ये IIT रुड़की की तरफ से इसका एक सर्वे किया गया। ट्रस्ट ने कहा कि भी हमको 1000 साल से ऊपर चाहिए, तो उन्होंने 2500 साल मंदिर टिकेगा ऐसा करके एक सर्वे किया। उस सर्वे में उन्होंने कहा कि भी ऐसे ऐसे थोड़ा सा चेंज आपको डिजाइन में करना पड़ेगा, तो 2500 साल तक मंदिर को कुछ नहीं होगा। तो हमने जो उसने कहा वो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमने चेंज कर दिया डिजाइन में। कोई पिलर बड़ा करना था, किसी को कुछ करना इधर उधर था, वो करके दिया। तो अभी लगता है कि सब फुलफिल हो गया है, तो 2500 साल तक मंदिर को कुछ अर्थक्वेक के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और क्या कुछ खासियत है? राम जी का जन्मस्थली का मंदिर है, 5 मंडप है, ये इतना लंबा चौड़ा है। इसमें जो इसका प्रदक्षिणा जो आप लोअर प्लिंथ में घूमेंगे, भगवान का जन्म से लेके अंत तक पूरी रामायण लिखी जाएगी।
और कॉरिडोर जो है, कॉरिडोर में सनातन धर्म का जब जो टेबलोज है वो सब लिखा करा मतलब उत्कीर्ण किया जाएगा। 500 साल की बात है, उसमें आपको आर्किटेक्ट की डिजाइन मिले, क्या कहेंगे आप ये क्षण को? 500 साल का संघर्ष है। अब मैं करीब इससे 35 साल से जुड़ा हूँ, जब से अशोक जी सिंगल थे तो मुझे ले गए थे, तब से मैं इसमें इसके साथ जुड़ा हूँ। तो मुझे तो एक गर्व की बात है कि दादाजी ने सोमनाथ मंदिर बनाया, जीर्णोद्धार किया, हमने रामलला का मंदिर का जीर्णोद्धार किया, तो एक गर्व लगता है कि भाई हमने, हमारे परिवार ने जो 15 पीढ़ी से जो काम कर रहे हैं उसमें एक हमको एक आनंद का विषय है कि हम लोग कर सके। आपने बात बताया सालों तक चलेगा, तो ऐसा कौन सा खास मटेरियल यूज किया गया जो सालों तक चलेगा? पत्थर जो है बंसीपारपुर का है, जो सैंडस्टोन का राजा कहा जाता है, इससे सैंडस्टोन कोई अच्छा नहीं आया अभी तक, है नहीं हिंदुस्तान में। तो ये पत्थर आप देखते हैं कि कई खजुराहो के ये वो पत्थर, मतलब कई सालों से 12वीं सदी से इसके पहले से भी मंदिर बने हुए हैं। तो ये पत्थर को कुछ नहीं होता सिवाय कि थोड़ा सफाई वफाई की जरूरत पड़ती है, वो कर देते हैं तो मंदिर का पत्थर सालों तक टिकता है। और अंदर गर्भगृह में पूरा मार्बल किया है, तो मार्बल तो इससे भी अच्छा टिकाव है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई खराबी जल्दी होने वाली है। मार्बल जो है वो कहाँ का यूज किया है? मार्बल मकराने का है, सबसे बेस्ट मार्बल है मकराने का, आज इटली से भी बेस्ट माना जाता है, इटली का मार्बल से मकराने का मार्बल अच्छा है।